Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Maths. Our chapter, chapter number 2 and exercise 2.6. Because friends, we have completed exercise 2.5 in our last period. So today we will start exercise 2.6. Write down today's date, that is 2nd August 2021. Today, we will start from question number 6 because जो question number 1 to 5 है okay, I have sent in WhatsApp group okay, in PDF. मैंने PDF में send कर दिया है आपको question 1 to 5 जो है you have to write from the PDF. And in this video, today we will solve question number 6 and question number 7. Okay, उसके बाद हमारी exercise 2.6 जो है वो over हो जाएगी. So friends, what is our question? I read the question. The question is, the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. जो हरी और हैरी ओके देर आर टू पर्सन्स उनकी एजेस जो है उसका हमको रेशियो दिया है. वी डोंट नो हाउ दे बोथ आर ओल्ड बट ओके हाउ मैनी हाउ ईयर. तो यहाँ पर हमको उनकी एजेस जो है वो पता नहीं है वो कितने ओल्ड है. बट हियर वी आर गिवन रेशियो. क्या हमको दिया हुआ है रेशियो यहाँ पर 5:7. हरी की जो एज है वो 5 उसका रेशियो है और हैरी की एज का रेशियो है 7. और आफ्टर 4 ईयर्स उनकी एजेस जो है उसका रेशियो कितना हो जाएगा विल बी 3:4 हो जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दैट वी हैव टू फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एजेस. हमको आज की जो उनकी एजेस है प्रेजेंट जो एजेस है वो हमको फाइंड आउट करनी है ओके क्वेश्चन समझ में आया आपको. अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा बेटा देन यू विल डू ओके. चलो ओके बेटा तो हमको क्वेश्चन समझ में आ गया. अगर क्वेश्चन अच्छे से हम अंडरस्टैंड करते हैं देन ओनली वी कैन सॉल्व इट. सो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे आपको राइट डाउन करना है एज ऑफ हरी एंड एज ऑफ हैरी ओके. दो पर्सन है यहाँ पर. सो फर्स्ट इज एज ऑफ हरी इज टू एज ऑफ हैरी. सो हमारे पास ये रेशियो है गिवन किया हुआ है दिस इज 5:7. हरी की एज का रेशियो है 5 और हैरी का रेशियो है 7. सो फर्स्ट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी. देखो हमको सिर्फ यहाँ पर रेशियो पता है 5. हमको टोटल उसकी जो फाइनल जो उसकी एज है एक्चुअल एज है वो पता नहीं है. तो हम उसको क्या करेंगे लेट करेंगे. सो 5x है ठीक है. एंड सेम ओके द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी बी. चलो हैरी का रेशियो 7 है तो उसकी हम एज क्या लेट करेंगे 7x ठीक है. यहाँ पर सिर्फ हमने लेट किया हुआ है दैट इज 5x एंड 7x. और हमको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था बेटा कि आफ्टर 4 ईयर्स देयर एजेस विल बी 3:4. 4 ईयर्स के बाद उनकी एजेस 3:4 होगी. तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पर ये जो है वो प्रेजेंट एज हमने यहाँ पर लेट की हुई है 5x एंड 7x. अब आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा इसमें 4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि 4 ईयर पास हो गए तो उनको कितने साल बड़े हो जाएंगे 4 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे ज़्यादा ठीक है. तो 5x में 4 ऐड हो गए और 7x में भी 4 ऐड हो गए ठीक है. फ्यूचर की बात हो रही है तो वो बड़े हो गए इसलिए ऐड होगा. अगर पास्ट में जाना होता तो हम क्या करते माइनस करते पर यहाँ पर हम फ्यूचर में जाएंगे. सो वी विल ऐड 4 ओके इन बोथ दी एजेस. सो आफ्टर 4 ईयर्स देयर एजेस चलो हरी की कितनी होगी ये जो 5x है ओके इसमें हम कितना ऐड करेंगे 4. सो हरी की एज होगी 5x प्लस 4 ईयर्स ओके. सेम हैरी की एज भी लिखेंगे हम उसका 7x है 7x में 4 ऐड करेंगे. सो 7x प्लस 4 ईयर्स ओके ना बेटा. चलो
नाउ हमको बोला हुआ है कि आफ्टर फोर इयर्स, हमने उनकी एज का एक अंदाज़ा तो लगा लिया कि आफ्टर फोर इयर्स उनकी एज कितनी होगी, 5x+4 और 7x+4। एंड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका रेशियो दिया हुआ है कि आफ्टर फोर इयर्स उनका, फोर इयर्स के बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो क्या होगा, 3:4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज़ 5x+4 is to 7x+4। ये जो है रेशियो वो किसके इक्वल होगा, हमको यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो 3:4। ये हमने यहाँ पर आफ्टर फोर इयर्स की जो एज है वो फाइंड आउट की और हमको रेशियो भी दिया है। तो ये दोनों की एज का रेशियो और गिवन किया हुआ रेशियो वो कैसा होगा, विल बी सेम। तो हम यहाँ पर दोनों को कैसे कर दिया, हमने दोनों रेशियो को इक्वल कर दिया। चलो अभी रेशियो मतलब क्या होता है कि 5x+4 upon 7x+4, रेशियो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5x+4 upon 7x+4, ओके, इज इक्वल लिखेंगे, ठीक है। और 3:4 है, दैट मीन्स 3/4। सो हियर देखो बेटा, इज इक्वल है, यहाँ पर 3/4 है, तो अगर हम 3 को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ ये डिवीज़न में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, ओके, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये 4 हम इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ डिवीज़न में है, तो यहाँ इसके साथ 5x के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देयरफॉर ये 4 को मैं अगर, ठीक है, वी विल ट्रांसपोजिंग 3 and 4, ओके, टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवीज़न में है, तो यहाँ आकर वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। चलो लिखना है 4 5x+4, और दो नंबर है देखो यहाँ पर, तो अगर मैं, आप बोलोगे टीचर हम ये 3 को यहाँ लाते हैं तो किसके साथ लेकर जाएंगे, तो हमेशा इस तरीके के कभी भी आपको सॉल्यूशन लाना हो तो उसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे, जैसे कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 4 को, ठीक है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। चलो 4 5x+4 इज इक्वल्स टू, ये जो 3 है वो 3 कहाँ लेकर आएगी, अब हम 7x+4 के पास लेकर आएगी, ओके, सो 3 7x+4, इसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो अभी देखो 4 और ब्रैकेट में 5x+4 है, दैट मीन्स 4 ये पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में है, पूरे ब्रैकेट से उसका मल्टीप्लाई होगा। सो फर्स्ट वी विल, ओके, मल्टीप्लाई 4 विद 5x एंड देन विद 4, पहले 5x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ भी 3 को पहले 7x से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 4 × 5, 4 5s are 20 एंड x प्लस 4 4s are 16 इज इक्वल्स टू 7 × 3, दैट इज 21 एंड x, और 3 4s are, प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, 3 4s are 12, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे बेटा, देखो 20x एंड 21x ये दोनों सेम है और 16 and 12, ओके, बोथ द नंबर आर सेम, तो हम सेम नंबर को एक साथ में ले लेंगे। तो हमको सेम नंबर साथ करने के लिए क्या करना होगा, ये 21 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना होगा और 16 को यहाँ पर लाना होगा राइट हैंड साइड, ओके, सो वी विल ट्रांसपोजिंग 21x टू LHS एंड 16 टू RHS। चलो देयरफॉर 20x और ये 21x प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 21x इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज एंड 16 वी विल ट्रांसपोजिंग इट टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर प्लस में है सो हियर ये माइनस हो जाएगा। देयरफॉर अभी 20 में से 21 माइनस करेंगे सो 1 रिमेनिंग, बट के हाउ 1, ओके, बिगर नंबर कौन सा है, 21, तो माइनस 1 और x, तो माइनस 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, माइनस x इज इक्वल्स टू 12 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 4, लेकिन ओके, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 16 गए और आया 4, लेकिन 16 जो है इज बिगर देन 12, तो हम साइन किसकी लेंगे, 16 की, सो माइनस 4। अभी देखो बोथ नंबर, ओके, माइनस माइनस है तो हम क्या करेंगे, दोनों के माइनस कट कर देंगे, सो हियर रिमेनिंग ओनली x इज इक्वल्स टू 4, ओके, वी हैव फाउंड वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, दैट इज 4, हमको यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ क्या होगा, अपना नेक्स्ट स्टेप बेटा,
वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x. x की जो हमने अभी तक नंबर लिखा था, सिर्फ x हमने लेट किया था, वहाँ पर हम उसकी वैल्यू रख देंगे. कौन सी वैल्यू रखेंगे? x की वैल्यू अब हम 4 रखेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम लिखेंगे देयरफॉर हरीश प्रेजेंट एज. चलो, क्या हमने लेट की थी हरी की प्रेजेंट एज? 5x. सो 5x, तो क्या करेंगे हम 5 एज इट इज x के बदले लिखेंगे इनटू 4. ओके, सो 5 फोर जा 20 years. देयरफॉर नाउ हैरी, ओके, हैरी इज प्रेजेंट एज. क्या हमने लेट की थी हरी की प्रेजेंट एज 7x. सो वी विल राइट 7 year एज इट इज इनटू x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की बेटा? 4. सो 4, 7 फोर जा 28 years. ओके, तो अब यहाँ का पर हमको लिखना है थस हरीज प्रेजेंट एज इज 20 years एंड हैरीज प्रेजेंट एज इज 28 years. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. गॉट इट? समझ में आया बेटा ये सम? ओके, नाउ वी विल गो ऑन नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7. सो हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 7. द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. यहाँ पर एक डिनोमिनेटर का एक नंबर है, ठीक है, वो क्या है? एक तो रेशनल नंबर है और क्या है? अपने न्यूमरेटर से ग्रेटर है बाय 8, ठीक है, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. 8 ज़्यादा उसमें नंबर है. सपोज के डिनोमिनेटर अगर जो है रेशनल नंबर है और वो 1 होता है, तो उसके न्यूमरेटर से वो कितना बड़ा होगा? 8 बड़ा होगा उसका न्यूमरेटर, ठीक है, 8 जितना कम होगा. नाउ इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को हम 17 से इंक्रीज करते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर से कितना डिक्रीज करेगा उसको? 1. द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा? 3/2. सो फाइंड द रेशनल नंबर, तो हमको वो रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है. ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर? लेट द न्यूमरेटर बी इज इक्वल्स टू एक्स. जो न्यूमरेटर है उसको हम क्या लेट करेंगे? एक्स. हमको बोला गया है कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 8 मोर देन न्यूमरेटर. मतलब कि ये जो न्यूमरेटर है 8, उससे अगर आप उसमें 8 प्लस कर दो, ठीक है, 8 नंबर, तो वो हमारा डिनोमिनेटर मिल जाएगा. दैट मीन्स के डिनोमिनेटर क्या होगा? विल राइट हियर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है x, उसमें अगर हम 8 प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर. तो हमने यहाँ पर दो नंबर लेट कर दिए हुए, दैट इज न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज x प्लस 8. अब हमको क्या बोला था क्वेश्चन में? इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, मतलब कि ये जो न्यूमरेटर है x जो है वो इंक्रीज करेगा किस से? 17 में इंक्रीज करेगा, तो उसमें ऐड करेंगे 17, और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? डिक्रीज बाय 1, उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो हमको न्यू नंबर मिलेंगे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू न्यूमरेटर. ओके, न्यू न्यूमरेटर क्या होगा? दैट इज 8 प्लस एक्स प्लस 8. ओके, एक्स में हमने क्या कर दिया? 8 को प्लस कर दिया, क्योंकि हमको वो इंक्रीज करना था एक्स में 8, और हमको न्यू डिनोमिनेटर में मिलेगा. सो न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, चलो डिनोमिनेटर ऑल क्या था हमारे पास? एक्स प्लस 8. सो एक्स प्लस 8, उसमें से कितने डिस्क्रीज करने हैं हमको? माइनस 1 डिस्क्रीज करना है, तो माइनस 1 लिखेंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x, 8 में से 1 अगर हम माइनस करते हैं देन वी विल गेट 7. सो आवर न्यू न्यूमरेटर इज x प्लस 8 एंड आवर न्यू डिनोमिनेटर इज x माइनस 7, ठीक है, ये दो नंबर मिले. और हमको क्वेश्चन में क्या बोला था? अगर हम इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं देन वी विल गेट, ओके, ऑब्टेन इज 3/2. ये दोनों का जो इक्वल होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या हमको मिलेगा? वो कितना ऑब्टेन होता है? 3/2, मतलब कि ये दोनों के रेशियो के इक्वल होगा 3/2. ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज एक्स प्लस 17. सॉरी बेटा, इसमें हम कितना ऐड करने थे? हमको 17 ऐड करने थे, क्योंकि हमारा ये तो कितना है? x है, और उसमें हम कितना इंक्रीज करने के बोला है? 17, तो हमारा यहाँ ऐड होगा 17. सॉरी, ये क्या है? x प्लस 17,
ओके दिस इज आवर न्यूमरेटर, न्यू न्यूमरेटर, सो x प्लस 17, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 17 और डिनोमिनेटर हमको क्या मिला x माइनस प्लस 7, प्लस 7 आएगा क्योंकि 8 क्या है बिगर देन 1, तो हम यहाँ पर माइनस तो करेंगे 8 में 7, लेकिन साइन किसकी लेंगे 8 की, सो प्लस, सो x प्लस 7. अभी देखो ये हमने हमारा न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर, ओके बोथ वी हैव रोट हियर, सो x प्लस 17 एंड x प्लस 7. अभी हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये नंबर किसके इक्वल हो गए, 3/2, तो हमने यहाँ पर इक्वल में लिख दिया 3/2. नाउ व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 और 2 को इक्वल के ये साइड लेकर आएंगे, तो ये 3 जो है वो x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा और 2 x प्लस 17 से मल्टीप्लाई होगा, ओके. देयरफॉर वी विल राइट हियर 2 और x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से भी मल्टीप्लाई करना होगा और 2 को 17 से, 3 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर 2 इंटू x, दैट इज 2x प्लस 17, 2 जा 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x विल बी 3x प्लस है तो प्लस, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 7 जा 21, ओके. चलो अभी हम सेम नंबर साथ में लेंगे, सो 3x हमको ट्रांसपोर्ट कहाँ करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, सो वी विल ट्रांसपोजिंग 3s टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 34 टू RHS, ओके राइट हैंड साइड. देयरफॉर 2x और ये 3x यहाँ आएगा तो माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21 एज इट इज राइट हैंड साइड ही रहेगा और 34 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, विल बी माइनस, ओके 34. सो हियर 2x एंड 3x, तो 2x में से 3x एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, 2 में से 3 या 3 में से 2 अगर आप माइनस करते हो देन यू विल गेट 1 ओनली, ओके. और x है तो आपको यहाँ 1x लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ओके वी विल राइट ओनली x हियर. अभी देखो 3 नंबर जो है वो 2 से क्या है बिगर देन 2, ओके 3 इज बिगर देन 2 और ग्रेटर देन 2, तो हम यहाँ पर किसकी साइन लेंगे, जो बिगर नंबर है उसकी साइन लेंगे, इज इक्वल्स टू 21 में से अगर आप 34, ओके ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 21 में से 34 हमको माइनस करना है तो हमको क्या आंसर मिलेगा 13, लेकिन 34 इज़ बिगर देन 21 तो हम किसकी साइन लेंगे 34 की, सो हियर वी विल राइट माइनस. अब दोनों साइड माइनस है तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, सो हियर रिमेनिंग ओनली एज इज इक्वल्स टू 13. हमने एक्स का आंसर फाइंड आउट कर लिया, एक्स हमको क्या मिला 13. अब हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है बेटा उसके अंदर हम नंबर लिखेंगे. देखो न्यूमरेटर हमने क्या लेट किया था, इज इक्वल्स टू एक्स हमने लेट किया था, ठीक है, और डिनोमिनेटर उसको हमने क्या लेट किया हुआ है एक्स प्लस 8. चलो तो दोनों की अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम. तो न्यूमरेटर एक्स तो वो डायरेक्टली क्या ले लेंगे हम, एक्स की वैल्यू रख देंगे 13, तो न्यूमरेटर क्या है 13 है और हमारा डिनोमिनेटर एक्स प्लस 8, तो एक्स की प्लेस पर लिखेंगे 13 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 21, ओके. सो आवर आंसर इज न्यूमरेटर इज 13 एंड डिनोमिनेटर इज 24. अगर आपको इस तो हमको ये रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इसका रेशनल नंबर इसको रेशनल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर बनाकर. सो द रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या है 13 और 21, सो 13/21, ओके. द रेशनल नंबर इज 13/21, ये हमारा आंसर, ओके. होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, सो मस्ट राइट डाउन दिस टू सम्स, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इन योर मैथ्स नोटबुक एंड टू कंप्लीट योर वर्क. सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 2 इज ओवर, ओके, यहाँ पर कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, ओके. अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो एंड चैनल, ओके. अल्लाह हाफिज़.